जयपुर में महारैली, सोनिया गांधी और राहुल गांधी हुए शामिल, सपा में आकर राहुल गांधी का हुआ स्वागत। महारैली में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर किया तीखा हमला का 2014 से देश में हिंदुत्ववादियों की सरकार किसानों के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलती केंद्र की सरकार। जयपुर में कांग्रेस की महारैली में राहुल गांधी ने किया शंखनाद, भोले उद्योगपतियों के लिए हो रहा काम। महारैली को प्रियंका गांधी ने किया संबोधित, कहा किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही केंद्र की सरकार। महारैली में सीएम ने जनता को किया संबोधित, कहा आज की रैली ऐतिहासिक, महंगाई की वजह से हर घर में सब दुख। राहुल और सोनिया गांधी के मंच पर पहुंचने पर दोनों ने सभी नेताओं का अभिवादन किया स्वीकार। महारैली के मंच पर राहुल गांधी का सीएम अशोक गहलोत ने साफा पहनाकर किया स्वागत। जयपुर के विद्याधर नगर रैली में उमड़ी जबरदस्त भीड़, खचाखच भरा नजर आया स्टेडियम। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में लोक कलाकारों ने नृत्य कर सभी को झूमने पर किया मजबूर। जयपुर के गोविंदगढ़ थाना इलाके के संख्या 52 पर गोविंदगढ़ तोलिया के पास अचानक चलते टेम्पो में भीषण आग लगी। झालावाड़ के पेड़ावा में सुसनेर की ओर जाने वाले रोड पर दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। बांसवाड़ा पुलिस ने ओझरिया बाईपास पर सब्जी विक्रेता के साथ 1,80,000 रुपए की हुई लूट का खुलासा किया, एक गिरफ्तार। अजमेर पुलिस लाइन इलाके में रहने वाले मंजीत पर नशे का आदि एक शख्स ने चाकू से हमला कर दिया। झालावाड़ में गौपुत्र सेना के कार्यकर्ताओं ने मंडावर तीन धार रोड पर गौ तस्करी के लिए ले जाए जा रही पिकअप वाहन को पकड़। उदयपुर के मालजी गांव में राशन वितरण की अव्यवस्थाओं को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय शिवाजी नगर झालावर में विशाखा गाइडलाइन से संबंधित कार्यशाला का झुंझुनू के डुंडलोड में एक मकान में चोर घर के कमरों में घुसे, ताला तोड़कर नकदी और गहनों पर हादसा। कड़ावा इलाके के चवली बांध की दाई मुख्य नहर से खीकपुर गांव के पास पानी किसानों के खेतों में घुसा। झुंझुनू के डुंडलोड में वार्ड संख्या 12 में रहने वाली प्रियंका जहांगीर की घोड़ी पर बैठकर बिंदौरी निकाली। बांसवाड़ा के रमतविया गांव में नवी के छात्र का शव मिलने से संशय। पंचायत राज आम चुनाव के तहत श्री विजयनगर पंचायत समिति क्षेत्र के 15 निर्वाचन क्षेत्र, जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान। करौली पंचायत चुनाव के तहत जिले में प्रथम चरण में 3 पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान। किसानगंज के रामपुरा डाबला में 3 दिवसीय 65वीं जिला स्तरीय कबड्डी, खो खो और एथलेटिक्स प्रतियोगिता संपन्न। जालौर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कड़ावा एसडीएम संतोष मीणा ने कस्बे के इंदिरा रसोई के निरीक्षण। बूंदी राजघराने के अंतिम वारिस ब्रिगेडियर भूपेश हारा के सर पर बांधे। अमृत महोत्सव का आयोजन फलौदी के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में हुआ। पंचायत चुनाव के पहले चरण में सुल्तानपुर में वोटिंग जारी। तालुका विधिक सेवा समिति बाली की ओर से आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामे के जरिए कई मामले निपटाए। पाली में आंगनबाड़ी केंद्र रायपुरिया पर अन्नप्राशन और गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन।